नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टफ यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सिंपल टिप्स देखने वाले हैं जिनका यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट पे media.net का अप्रूवल ले सकते हैं आसानी से। तो इस वीडियो में हम जो है ये 1x1 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं और कुछ ऐसी टिप्स देखेंगे जिनका यूज़ करके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप अपनी वेबसाइट पे media.net एड नेटवर्क का अप्रूवल ले सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे अप्रूवल का मेल दिखा देता हूँ। तो 26 अप्रैल को मैंने यहाँ पे ये वेबसाइट media.net में अप्रूवल के लिए भेजी थी और 28 अप्रैल को इनका पब्लिशर सपोर्ट का मेल आ गया था कि आपकी वेबसाइट यहाँ पे अप्रूव हो चुकी है। और यहाँ पे सेम मेथड का यूज़ करके मैंने दूसरे अकाउंट पे एक दूसरी वेबसाइट है वो भी media.net से अप्रूव कर चुका हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे वो है कंटेंट। तो media.net अप्रूवल के लिए सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे ये है कि आपकी जो वेबसाइट है या फिर ब्लॉग है वो टोटली इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। दूसरी अगर कोई आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उस पर आपको media.net का अप्रूवल नहीं मिलेगा। और यहाँ पे कंटेंट पॉलिसीज़ या फिर प्रोग्राम पॉलिसीज़ का जो मेन पॉइंट्स है वो आपके यहाँ पे अडल्ट कंटेंट या फिर उसके बाद जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर क्रैक सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर मॉड APK वगैरह होते हैं तो उस वेबसाइट पे भी आपको media.net का अप्रूवल नहीं मिलेगा। और अगर आपका कोई कम्युनिटी फोरम है, चैट रूम है या फिर आपका कोई डिस्कशन फोरम है तो उन वेबसाइट पे भी आपको इसका अप्रूवल नहीं मिलेगा। और बाकी यहाँ पे जो कंटेंट पॉलिसीज़ है वो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। इस पेज का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप यहाँ से जाके उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो कंटेंट के बाद हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरा जो पॉइंट है वो है थीम की। तो media.net अप्रूवल के लिए आप कोई भी थीम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई दूसरे भी गाइड्स यहाँ पे देखे होंगे कि media.net अप्रूवल के, तो उन पे एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि थीम जो यूज़ की हुए है वो बहुत ही सिंपल और एलिगेंट लुकिंग थीम है। तो मैंने यहाँ पे जो थीम यूज़ की है वो है बैम नाम की थीम, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यही सेम थीम मैंने दूसरे वेबसाइट पर भी यूज़ की है जिसपे कि media.net का अप्रूवल मिल चुका है। तो आप जितनी ज़्यादा सिंपल और एलिगेंट थीम रखेंगे उतना ही आपके लिए media.net अप्रूवल के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की जो कि है पोस्ट। तो अब आपको यहाँ पे हो सकता है media.net का 4 से 5 पोस्ट में भी अप्रूवल मिल जाए, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके यहाँ पे अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाए इसके लिए आप कम से कम 10+ पोस्ट यहाँ पे लिखने की ट्राई करिएगा। तो मैंने जो है ये मेरी वेबसाइट पे 13 पोस्ट यहाँ पे लिखी थी और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसे media.net के लिए अप्लाई कर दिया था। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ जितनी ज़्यादा पोस्ट आप लिखेंगे उतना ही आपके अप्रूवल के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो पोस्ट के बाद हम देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे आर्टिकल या फिर पोस्ट जो है वो कितने वर्ड्स का लिखना है। तो media.net जो है वो बेसिकली एक कंटेक्चुअल एड नेटवर्क है, तो आप अपनी पोस्ट में जितना ज़्यादा टेक्स्ट लिखेंगे उतना ही आपकी वेबसाइट के फर्स्ट अटेम्प्ट में अप्रूवल के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे टोटल यहाँ पे 13 जो पोस्ट है वो हर एक पोस्ट कम से कम 500 से लेके 800 वर्ड्स के बीच में है। तो आप भी ट्राई करिएगा कि 500 वर्ड्स के आगे का हर एक पोस्ट लिखने की, जिससे कि आपके media.net अप्रूवल के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो अब वर्ड्स के बाद हम बात कर लेते हैं कि आपकी वेबसाइट पे पेजेस कौन कौन से होने चाहिए। तो जैसा कि एडसेंस में कुछ पेजेस यहाँ पे कंपलसरी है, वैसा ही media.net अप्रूवल के लिए आपकी वेबसाइट पे जो है वो अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टैक्ट अस, ये 3 मेन पेजेस आपकी वेबसाइट पे होने ही चाहिए। उसके बाद अब डिस्क्लेमर, कुकी पॉलिसी या फिर DMCA पेजेस है वो अगर आप लगाना चाहें तो वो ऑप्शनल है, लेकिन अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टैक्ट अस, ये 3 मेन पेजेस आप अपनी वेबसाइट पे लगा लीजिए media.net को अप्लाई करने से पहले। और सबसे आखिर में अब हम बात कर लेते हैं जो मेन और इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है ट्रैफिक की। तो अगर आप इनका प्रोग्राम गाइडलाइंस यहाँ पे पढ़ने जाएंगे तो यहाँ पे आपको जैसा कि देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट की जो प्राइमरी ट्रैफिक है वो US, UK और कनाडा, इन 3 कंट्रीज़ में से आपकी मेजॉरिटी ट्रैफिक होने चाहिए media.net अप्रूवल के लिए। लेकिन मेरी वेबसाइट की जो टोटल ट्रैफिक है वो 95% से भी ज़्यादा इंडिया से है। तो यहाँ पे मैं आपको एनालिटिक्स में जाके दिखा देता हूँ, गूगल एनालिटिक्स में। तो यहाँ पे हम ट्रैफिक लोकेशन देखने से पहले हम यहाँ पे टोटल पेज व्यूज़ कितने थे मेरी वेबसाइट पे वो यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एनालिटिक्स डैशबोर्ड में से यहाँ से 90 डेज़ का फिल्टर लगा लेता हूँ।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पिछले 3 महीने के यहाँ पे टोटल पेज व्यूज़ जो है वो सिर्फ 98 पेज व्यूज़ है, और यहाँ पे जो आर्टिकल लिखे हैं उन पे जो ट्रैफिक आई है पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। मैंने एक भी आर्टिकल सोशल मीडिया पे या फिर व्हाट्सएप फेसबुक कहीं पे भी शेयर नहीं किया है। और यहाँ पे मार्च में मैंने यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग करना चालू किया था और अप्रैल में हमें यहाँ पे media.net का अप्रूवल मिल चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आपकी वेबसाइट पे कम ट्रैफिक है तो भी आप इस एड नेटवर्क का अप्रूवल ले सकते हैं आसानी से। अब हम यहाँ पे लोकेशन का फिल्टर लगा लेते हैं एनालिटिक्स में। जैसा कि इन्होंने बताया कि मेजॉरिटी ट्रैफिक US, UK और कैनेडा से होनी चाहिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी 95% से भी ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो यहाँ से इंडिया से आई है, और UK और कैनेडा से यहाँ पे 0 व्यूज़ है, और USA से मुझे सिर्फ यहाँ पे 1 विजिट मिली है, और बाकी कंट्रीज़ के आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर कितने थे विजिट्स के। तो अगर आपकी प्राइमरी ट्रैफिक इंडिया से भी आ रही है तो भी आपको जो है वो ये कंडीशन एक्सक्लूड कर सकते हैं। सिर्फ आप अपना जो है वो कंटेंट पे फोकस कीजिए, जितना आप इंग्लिश रिच और ज़्यादा टेक्स्ट वाला कंटेंट लिखेंगे उतना ही आपके media.net अप्रूवल के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो ये थे कुछ सिंपल टिप्स जिनका फॉलो करके आप media.net का अप्रूवल ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और इस वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।